हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ हम। एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन है ये, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, क्योंकि ये सीबीएसई ने 2016 के बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं हम लोगों के लिए। आइए तो देखें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दो पार्ट है हमारे पास, इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पहले पार्ट ए को कर लेते हैं, फिर पार्ट बी पर आएंगे। क्वेश्चन कहता है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ रेशियो ऑफ 7:12, 5:12, यानी आप सिंपली क्या कह सकते हैं, 7:5 इनकी रेशियो है। नाउ दे एडमिटेड गोपी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। उन्होंने गोपी का एडमिशन किया 1/6 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम। तो क्या जो 1/6 शेयर मिला है वो इक्वली लेगा राम और श्याम से, ठीक है। हमें क्या कहता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप बताइए कैलकुलेट करके। चलिए जी, आइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए चले हम लोग। तो यहां ये हमारे पास फॉर्मेट गिवन है। पार्टनर्स के नाम हमारे पास क्या है जरा देख लें। पार्टनर्स हैं राम एंड श्याम, ठीक है जी, ये पार्टनर्स हैं हमारे, और एडमिशन हुआ है गोपी का। तो ये हमारा फॉर्मेट है, हम हमेशा इसी तरीके से काम करेंगे। पहले नाम लिखेंगे, फिर ओल्ड पीएसआर लिखेंगे। ओल्ड पीएसआर की बात करें तो 7:12, 5:12, और गोपी की ओल्ड पीएसआर थी नहीं, क्योंकि तो नया पार्टनर आया, इसका एडमिशन हुआ है। अब अगला कॉलम है एडजस्टमेंट का, यानी हमें क्या एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट ये करना है कि हमें 1/6 शेयर देना है गोपी को, और ये 1/6 शेयर कौन देगा, ये दे रहे हैं राम और श्याम इक्वली, बराबर बराबर दे रहे हैं, यानी इनका शेयर एग्जिस्टिंग ये है, ठीक है। यहां हमारे कैलकुलेशन पार्ट है, उसमें हमने कहा 1/6 शेयर जो देना है उसका बराबर, यानी आधा राम देगा, 1/6 का आधा श्याम देगा। आइए सॉल्व करें इस चीज को हम लोग। 7:12 और ये माइनस में कितना हो जाएगा, 1:12, और इधर बात करें तो 5:12 माइनस में कितना हो जाएगा, 1:12। इसे फर्दर सॉल्व करो तो आप कितना आता है, ये 6:12 आ जाता है, और ये आ जाता है हमारे पास 4:12। अगली बात आती है गोपी के लिए। गोपी का 1/6 है, हमें सारे डिनोमिनेटर कॉमन करने हैं, ठीक है। तो 12 करने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 2:12। अब एक बार सारे न्यूमरेटर टोटल करो, सारे न्यूमरेटर्स का टोटल 12 के बराबर होना चाहिए। 6+4 10+2 12, यानी हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई है, और ये सही है, यानी 6:12, 4:12 और 2:12। तो आप कह सकते हैं देयरफोर, मैं इस एडजस्टमेंट से बाहर लिखूं जाकर एक बात, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं जी, सुनिए ध्यान से, देयरफोर न्यू पीएसआर यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 6:4:2, या अभी भी एक कॉमन फैक्टर है हमारे पास इन तीनों में 2। तो अगर दूसरा अल्टरनेटिव क्या लिख सकते हैं, और कॉमन फैक्टर अगर 2 ले लें तो 3:2:1। तो ये आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई पहले केस में, ठीक है। ये हमने पहला कर लिया, इसके बाद सेकंड पर आए, तो सेकंड जो हमें बी स्टार्ट करना है उसके लिए भी एक बार क्वेश्चन देखें क्या है। आइए जी क्वेश्चन को देखें दोबारा से। क्वेश्चन बी जो है, मतलब क्वेश्चन का पार्ट बी पार्ट कहता है, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ रेशियो ऑफ 3:2:1। इस बार तीन पार्टनर है, 3:2:1 की रेशियो है। दे एडमिटेड डी, उन्होंने डी को एडमिट किया फर्म में एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर, यानी टोटल प्रॉफिट का आठवां हिस्सा, नहीं, टोटल प्रॉफिट के अगर 8 हिस्से किए जाएं तो उसमें से एक हिस्सा किसे मिलेगा, डी को मिलेगा। नाउ विच ही एक्वायर्ड, उसने अभी एक्वायर किससे किया है, इसने डी नहीं, ये हिस्सा लिया है जो 1/8 किससे लिया है, कहता है विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी एंड 1/16 फ्रॉम सी, यानी ए से नहीं लिया, 1/16 लिया है ए बी से और 1/16 लिया है सी से। 1/16 का मतलब समझ रहे हैं, 1/8 का आधा, क्योंकि 1/8 को अगर 2 से डिवाइड कर दो आप तो 1/16 आता है, ठीक है। तो आधा बी से आधा सी से लिया है इसने। आइए जी, 3:1 की रेशियो है हमारे पास। मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं और आपको समझाता हूं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए, हमारे पास पार्टनर्स हैं ए बी सी और डी, ठीक है। 3:2:1 रेशियो है, 3:1 यानी 6, न्यूमरेटर 6 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2/6 और इसका आ जाएगा 1/6, और डी का क्या है जी, 0, डी के पास फिलहाल कोई शेयर नहीं है। हाँ, हमने क्या कहा है, अच्छा एक हमारे पास एक कॉलम में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अच्छा ये कॉलम में थोड़ा सा चेंज है, ये कैलकुलेशन ऑफ
सेक्रीफाइस गेन ही नहीं है, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर ही कर रहे हैं, न्यू पीएसआर कर रहे हैं, और यहाँ ये कॉलम नहीं मानो फिलहाल के लिए, ठीक है, नई कॉलम नहीं है, एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, और तब जाके हमारे पास न्यू पीएसआर आएगी। ये फॉर्मेट कोई दूसरा आ गया शायद, चलिए हमने फॉर्मेट को चेंज कर लिया, हमारे पास ओल्ड आ गई। अब एडजस्टमेंट क्या करना है, हमने हमने कहा हमें डी को 1/8 शेयर देना है, और कैसे देना है, आधा यानी 1/16 देगा कौन, बी, 1/16 देगा सी। तो ए का जो शेयर है 3/16, इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, तो जीरो माइनस हो रहा है। बी का जो है वो 2/6 है, इसमें से 1/16 माइनस होगा। ध्यान रखना 1/16 इसलिए किया है, पिछले में हमने डायरेक्टली 1/8 नहीं किया था, क्योंकि हमने उसने कहा था इसका आधा आधा ये दोनों देंगे, इस बार जो बनता था उसने वो डायरेक्ट अमाउंट दे दिया, तो इस तरीके से करेंगे 1/16 माइनस 1/16। आइए इसे सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, ये तो 3/6 रह जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर की बात करें तो 6 और 16 का ज़रा डिनोमिनेटर निकालो, क्या निकालोगे, ठीक है, मतलब एलसीएम लो 6 और 16 का, कैसे निकालोगे मैं बता देता हूँ, एलसीएम नहीं आता आपको तो देखो 6 और 16 है, कॉमन फैक्टर देखो 6 और 16 में आपके पास क्या मिलता है कॉमन फैक्टर बताइए, 2 तो मिल रहा है, कॉमन फैक्टर 2 ले लो, यहाँ कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 8, इनमें अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप क्या करो 3 × 8 × 2 कितना आ जाएगा, 8 × 3 = 24, 24 गुना में 2 = 48, 48 आ गया। तो ये 48 हमारा क्या आ गया एलसीएम, ये हमने नीचे डिनोमिनेटर लिया 48। अब ज़रा देखो 48 6 से कितनी बार जाता है, 48 6 से बताओ कितनी बार जाएगा जी, 8 बार जाएगा, ठीक है, 8 गुना में 2 यानी 16, और 16 से कितनी बार जाएगा, 16 × 32, तो 16 से 4 बार जाता है, यहाँ भी वही 6 और 16 है तो डिनोमिनेटर 16 आ जाएगा एलसीएम लेने से, और 6 से ये कितनी बार जाता है 8 बार, और 16 से 4 बार, और तो इसे आगे सॉल्व कर लें हम लोग, ये 12/48 आ गया, और ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 4/48। अब इसको भी 48 बनाना है, क्योंकि सारे डिनोमिनेटर हमें क्या करने हैं 48 पर लगाने हैं, और ए को भी 48 डिनोमिनेटर बनाना है, तो क्या करें 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें बताइए, 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें 8 से, तो 8 ऊपर मल्टीप्लाइड ए नीचे डिवाइड किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसे ही यहाँ पर कितने से करें 6 से, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, आइए देखें क्या बनेगा 6/48, और यहाँ कितना बन जाएगा 8 × 3 = 24, 24/48। अब एक काम करो, इनका न्यूमरेटर्स का टोटल करो, 24 + 12 कितना बनता है, 24 + 12 + 4 + 6, इन सब का टोटल हमारा 48 आना चाहिए, तब तो सही है, अदरवाइज गड़बड़ है, चेक कर लो ज़रा, 24 + 12 कितने हो जाते हैं 36, 36 और 10 हो रहा है, ये तो देखो एक बार 48 बनेगा नहीं बनेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं, एक बार चेक कर लो, एक बार मैं वेट कर रहा हूँ, हाँ जी देखिए कहाँ गड़बड़ हुई है, कोई क्या गड़बड़ हुई है, अच्छा ये बच्चा कह रहा है यहाँ पे आपने गलती की है, किसमें की है हमने, ये यहाँ पे 16, अच्छा जी 16, 32, 32 तीन से, ठीक है ये एक मिस्टेक है, ध्यान से दो इसे देख लो, ये यहाँ पे गड़बड़ है हमारी, हमारा एक ही कम आ रहा था ना, कितने कम आ रहे थे हमारे पास, ये चार नहीं ये हमारा बनना चाहिए 3, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो और कहीं गड़बड़ है क्या, और भी बता दो, अब कितना आ जाएगा, ये 5 है, आप चेक कर लो जी, अब हमारे पास कितना आ रहा है 24, ये आ गया जी 6, 36 + 11 अभी भी 47 बन रहा है हमारा, है ना जी 47 बन रहा है, और देखो और कहाँ गड़बड़ है, किसमें, इसमें भी मिस्टेक है, अच्छा ये भी हमने 4 से किया होगा, तो इसको क्या करना है, ये यहाँ पे 3 करें, ठीक है 3 कर देता हूँ इसको मैं, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, ये लीजिए ये आ गया हमारे पास 3, तो 16 में से 3 गए, 16 में से 3 गए तो 13 बचे, अब देखो ये 13 आ गया तो अब ये 37 हो गया, 37 + 11 = 48, अब ठीक है, तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गई जी 24:48, 13/48, 5/48 एंड 6/48, यानी आप कह सकते हैं देयरफॉर न्यू पीएसआर इज, कितना है न्यू पीएसआर आ गई हमारी, सबसे ऊपर कितना था 24:13:5:8, और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो आखिरी फाइनलाइज
न्यू रेशियो यही कहलाएगी। चलिए जी, तो थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन गलत नहीं होगी तो आंसर गलत नहीं आएगा, बाकी आपने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आंसर बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मैं पार्ट ए और आपको दोबारा दिखा देता हूँ जो हमने किया था, ये रहा, और क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया था पहले, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं एग्जाम्स में। चलिए,